खाक सताया, मैं तो कसम खा रहा हूं मैंने नहीं सताया, मैंने साहब नहीं सताया। अरे मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा हूं। अच्छा विदाई के समय रो रही थी, अरे साहब क्या है, आपके दर्द आपका भी दर्द मेल खा रहा है हमारे। विदाई के समय रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी, तो मैंने कसम लिया कि इसे कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सुखी रखूंगा, तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहां पता था कि ये एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाए। मैंने कभी उसे आंख मिलाकर सर उठाकर बात नहीं की, हाँ हमेशा बड़े अदब से उसे निहारता हूं, उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम घड़घड़ा आने लगे, फिर भी जाने कि वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, पंडित जी बीवी को शादी में बाएं बैठा दे चाहे दाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती। नौजवानों नौजवानों सुन लेना, ये जवानी की सारी मस्ती छूट जाती है, आई लव यू की क्लच प्लेट टूट जाती है। करा पढ़ी लिखी है, तब से लेकर आज तक हर रोज सवेरे रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। चोरी करूं बेईमानी करूं कहीं से लाऊं ला कर रख दूं हाथ पर गड्डी तो चाकने लगती है, प्यार का ओवरफ्लो सैया सैया की जगह भैया भैया कहने लगा। अच्छा जिस दिन नहीं पाती पैसा ऐसी नजरों से देखती है जैसे चबा जाएगी कच्चा, कहती है ऐसे निकम्मे पति से तो प्रेत अच्छा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं, अब क्या करूं, जब देखता हूं कि उसकी भौं तनी है हिम्मत ही नहीं पड़ती कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी है। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे दो दांत टूट गए, नहीं रोटी कड़ी थी उसके खाने से नहीं टूटे, कह दिया था कड़ी है। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई, तभी से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई, अब मुझे गधा कहते हैं तो हां मैं सिर हिलाता हूं, वो एक शब्द बोलते हैं मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूं। मैंने दो दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं साहब, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहां असर पड़ता है, कहती है बछड़ा भले दो गायों का दूध पिए बड़ा होके बैल ही बनता है। चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूं अरे भगवान, उस भगवान ने तुझे दो बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी, तो कहती है उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, ये चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई ना कोई शऊर सीख रहा हूं, आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। जी हां साहब, जी हां खींच रहा हूं ट्रॉली, मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। कि हां बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है, रखती है व्रत उपवास मनाती है कि अक्षुण रहे हवात बना रहे 7 जन्मों का साथ, और ये नोक झोंक ये तो दाम्पत्य का अंग है, मियां बीबी से लड़ता है बीबी मियां से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं साथ छोड़ देते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत।